हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए झटपट से बनाते हैं हम अंडा बिरयानी, वो भी कुकर में। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और स्वाद तो इसका लाजवाब है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कुकर में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जिसे कहीं कहीं पे राई का तेल भी कहा जाता है। इसे हम पहले बढ़िया सा गर्म कर लेते हैं और इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे। उसे इस प्रकार से इसमें चीरा लगा लेंगे, तो चीरा आप ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो अंडे फटने का डर रहता है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है और जो मसाले हैं वो बढ़िया से अंदर तक चले जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरीके से हमें इसे कुकर को हिला हिला करके इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंडे हैं हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साइड में जो घंटी लगी है उसे भी आप प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो अब हम इस बचे हुए तेल में डालते हैं थोड़े से दालचीनी, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 काली मिर्च, 3 से 4 लवंग और 1 छोटा चम्मच इसमें हमने जीरा डाला है और इसे हम हल्के आंच पे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इसे हमें 1 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल देते हैं और इसे भी हमें पकाना है जब तक कि हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं, यानी सुनहरा होने तक इसे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये कलर जो है प्याज का चेंज हो रहा है और अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस समय हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हल्के आंच पे हमें कुछ सेकंड्स के लिए पका लेना है। आंच जो है इसका बिल्कुल हल्का ही रखिएगा, नहीं तो आपकी जो हल्दी है और मिर्ची पाउडर है वो जल जाएगी। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर पीस करके इसमें हमने डाला है, यानी 2 टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डाला है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल जो है यानी इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें मिक्स करते हुए पका लेना है जब तक कि हमारा जो टमाटर है वो ऑयल रिलीज़ ना करने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही। दही को फेंट लीजिएगा और जब दही आप डालेंगे तो गैस का फ्लेम आप स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो मसाला है वो ऑयल ना रिलीज़ करने लगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, धनिया हरी धनिया, थोड़े से पुदीने और इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। धनिया और जो पुदीने का जो टेस्ट है वो बढ़िया आता है, तो इसलिए आप बिरयानी में इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो मसाला है वो धीरे धीरे ऑयल रिलीज़ करने लगा है, तो इसे अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर लेने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, यानी 1 नींबू का रस जो है वो आप निचोड़ कर इसमें डाल लीजिएगा। नींबू के रस से इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। अब हम इसमें अपने जो हमने अंडों को जो फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि अंडे टूटे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड ओनियंस, यानी जो ओनियन हमने तल के रखा है वो, यानी प्याज तला हुआ प्याज, थोड़े से हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें घी डाला है। हमने 2 प्याज को तेल में फ्राई कर लिया था और ये 1.25 किलो के लगभग बासमती चावल है जिसे हमने 3 पानी से धो लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं इसे भी। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल लेते हैं और इन्हें हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल लेते हैं और इन्हें भी हमें अच्छा सा मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड ओनियंस, जो हमारे बचे हुए तले हुए प्याज हैं वो इसमें डाल लेते हैं हम। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। ये शुद्ध घी है, तो शुद्ध घी बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। तो इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदे और इसे हम कवर कर लेंगे और 2 सीटी आने तक इसे हम पकने देंगे। तो 2 सीटी हो गई है, हम अपने गैस को बंद कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसी प्रकार हम इसे छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के बाद चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी अंडा बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए इसके जो चावल हैं वो भी खिले खिले बने हैं। तो फ्रेंड्स ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।